नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एप्पल का हलवा बनाएंगे। देखिए, एक दो एप्पल लिए हैं। देखिए, इसको हम देखिए इस तरह से छील लिए हैं, ऊपर का छिलका, और इसे हम पीस पीस में काट लिए हैं। इसे भी हम छील कर काट लेंगे। और देखिए, सारे सेब को हम काट लिए हैं। ऐसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, हम सेब को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए हैं। और देखिए, ये चीनी भी लिए हैं, क्योंकि सेब मीठा होता है, इसलिए चीनी इसमें हम कम ही डालेंगे। और अब हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे। देखिए, कढ़ाई गर्म हो गया। इसे हम देखिए 1/2 इंच बटर डाल रहे हैं, और ये जो सेव का ग्रेवी बनाकर रखे हैं उसे भी हम डाल रहे हैं। सेव का पेस्ट को हम डाल दिए। ऐसे हम लो मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे, तो हम चलाते रहना है, नहीं तो ये चटने लगेगा। अब देखिए, चीनी भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। 5 मिनट में हलवा बन के तैयार हो जाए। दोस्तों, एक एजेड पर्सन या बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बच्चे को दांत नहीं होता है, तो उसको मतलब सेब को किसी भी रूप में खिलाना है तो आप इस तरह से हलवा बनाकर आप खिला सकते हैं। या बहुत ही एजेड पर्सन है, उनको भी इस तरह से बनाकर आप खिला सकते हैं। हम धीरे धीरे पकाएंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हलवा बन के तैयार हो गया है। देखिए, इसमें हम नींबू 4-5 बूंद हम नींबू निचोड़ दे रहे हैं। इससे आपको खट्टा मीठा स्वादिष्ट लगेगा। आप चाहे तो नहीं भी मिला सकते हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दोस्तों, आप भी मेरे बताए हुए तरीके से आप सेव का हलवा बनाइए और अपने बच्चों को हेल्दी सेव का हलवा खिलाइए। देखिए दोस्तों, हलवा को हम सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं। दोस्तों, आप भी अगर कभी नहीं बनाए होंगे तो कम से कम 2 सेब का भी बनाकर आप खा कर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और दोस्तों, आप भी मेरे बताए हुए तरीके से सेब का हलवा बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।